महान राजनेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जातिकरण कर दिया। उनको लगा कि जो यूपी में पटेल है वो वोट मोबिलाइज हो जाएगा। मैं नहीं जानता, मेरी इतनी जानकारी नहीं कि वो उस वल्लभ भाई पटेल का इनसे कोई रिश्ता था कि नहीं था, लेकिन ये जिन लोगों ने उनके नाम का झंडा उठाया वो इसी लालच में उठाया। उनको पटेल का वो स्वरूप नहीं लुभाता जिसके चलते देश एक हुआ। उन्होंने पटेल को एक छोटी बिरादरी का नेता बना के खड़ा कर दिया और सरकारों ने भी उस पर पैसा दे दिया। गांधी के नाम का ताबीज बनवा के गले में लटका के तो सब घूमते हैं, लेकिन गांधी की स्थिति क्या है सरकार के लिए, सरकार में बैठे लोगों के लिए, ये इस आरटीआई ने हमको बताया। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, केवल प्रश्न गांधी का ही नहीं, प्रश्न 26 जनवरी और 15 अगस्त का भी है। तारीखों का बड़ा महत्व होता है जीवन में, देश के जीवन में, समाज के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में। पर 26 जनवरी के लिए और 15 अगस्त के लिए आपने 24,000 रुपया दिया, 24,000 में भी कुछ कम, 24,000 रुपया दिया 70 जिलों को, 70 जिलों के कलेक्टर्स को आपने दिया 24,000, यानी 325 रुपया प्रति जिला। 325 रुपए में वो झंडा बनवाएगा, माला लाएगा कलेक्टर, ये बताशा बांटेगा। कोई हमको बताए ना समझदार बजट बनाने वाला, भाई कोई अर्थशास्त्री ये तो समझाए कि एक जिले में 15 अगस्त का कार्यक्रम कैसे संपन्न हो जाएगा 325 रुपए में। ये तरीका है। और जहां पर सत्ताधीश जाए वहां एक एक दिन के पंडाल पर एक एक करोड़ रुपए खर्च हो जाए, 8,000 से 8,500 रुपए की थाली खाली जाए इसी देश में। और जब 15 अगस्त 26 जनवरी की बात आए तो कहा जाए पूरे जिले में 325 रुपए में बताशा बांट लो। और जिस सरकार में 8,000 रुपए की थाली खाई गई, अमिताभ जी, जिस सरकार में 8,000 रुपए की थाली खाई गई वही आपके शब्दों में गांधी जी का ताबीज बना के ज्यादा घूमते हैं उसके कांग्रेसी नेता, यूपीए 2 सरकार में जिसमें मुलायम सिंह जी भी उस पार्टी में शामिल थे। नहीं, अभी केवल वही, अभी 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 एक जब पहली बार बेरोजगारी भत्ता बटा, हाँ, तो उस बेरोजगारी भत्ता बांटने के, सुभाष जी अगर कहीं गलत बोलूं तो दुरुस्त करिएगा, उस बेरोजगारी भत्ता बांटने के कार्यक्रम पर 2.25 करोड़ रुपए का खर्चा आया, हाँ, सरकारी एक्सचेकर पर, हाँ, हाँ, और भत्ता बटा 2.25 करोड़ का, ठीक है। अब 2.25 करोड़ का भत्ता और बांटने में लगे 2 करोड़ से ज्यादा जी, और 15 अगस्त मन जाए 325 रुपए में एक जिले में तो मन दुखता है जी। अखिलेश प्रताप सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी शुक्रिया भाई साहब। एक आरटीआई हमारे पास है, लखनऊ की रहने वाली एक सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली ऐश्वर्या पराशर एक बच्ची है, उन्होंने एक आरटीआई डाली थी जिसके आरटीआई के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक जवाब दिया। वो कहते हैं कि साहब महात्मा गांधी को सरकार की तरफ से राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी जा सकती क्योंकि संविधान सेना व शिक्षा से जुड़ी उपाधि के अलावा कोई भी खिताब देने की इजाजत नहीं देता। तो यानी कि हम लोगों ने 20-22-25 साल से जो पढ़ाई पढ़ी कि बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं वो हम सबने गलत पढ़ा। देखिए, बापू को किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। अच्छा, दुनिया जानती है बापू राष्ट्रपिता हैं, सब अच्छा। कुछ है ठीक है, कुछ लीगलिटी टेक्नोलिटी से चीज हो सकती है, हाँ। तो आज बापू को कोई कानून का दायरा या कोई सर्टिफिकेट बांध नहीं सकता है, इसलिए ये नगण्य है कि क्या वो सरकारी दस्तावेजों में है या क्या नहीं है। अखिलेश जी, बात आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी जो इज्जत है, आपकी जो इज्जत है वो बापू के लिए हमारे हमारे दिलों में है, इसमें कोई शक नहीं, किसी सरकारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख इस बात का ज्यादा होता है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश की सरकार, जिस देश के लोग बापू को राष्ट्रपिता कहते हैं, हमारे देश का संविधान बापू को राष्ट्रपिता नहीं मानता। हमने एक से बढ़कर एक संविधान संशोधन किए, हम इस मुद्दे पर अनुच्छेद 18(1) में संशोधन क्यों नहीं कर सकते? ये कोई बहुत बड़ी चीज, जरूरत क्या है? आज बापू देखिए राष्ट्रपति से ऊपर, राष्ट्रपति के बराबर जो फोटो लगती है सरकारी भवनों में बापू की रहती है, क्यों है? क्योंकि एक व्यवस्था चली आ रही है। नहीं, लेकिन लेकिन इसी व्यवस्था में तो वो ये माना गया ना कि साहब ये फोटो जो है ये गैर जरूरी तरीके से लगती है, ये गैर अधिकृत तरीके से लगती है। ये तो हमारी आपकी भावनाएं हैं, हो सकता है 50 बरस बाद हमारे आपकी जो अगली पीढ़ी आ रही उसके अंदर ये भावनाएं ना रहे तो फोटो भी हट जाएगी वहां से। देखिए,
जो कानून होता है उसका क्या क्या आधार होता है, या तो कानून बनाओ या न्यायपालिका बना दे, या जो चीज लानवरत चली आ रही है तो ये चली आ रही है, ये भी कानून है। अच्छा, कानून बनने का जो आधार होता है, अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, चली आ रही है लगातार, तो वो ऑटोमेटिकली हो गया। अच्छा, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर आप हमारे साथ हैं, वो आपसे बात करेंगे। अमिताभ जी, अखिलेश जी, आपने जो बात कही वो तकनीकी तौर पर ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि शायद जो जनता की इच्छा होती है, ये जनता का जो मंतव्य होता है, उसका भी सम्मान होना चाहिए सरकारों के द्वारा। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, देखिए ये तकनीकी नहीं, व्यवहारिक रूप से तकनीकी में हो सकता है कि उनको किसी कारण से या कोई लीगल चीज हो कि नहीं हो सकता कागज पे लिखा पड़ी में सरकार के द्वारा, लेकिन व्यवहारिक रूप में बापू राष्ट्रपिता है, आज भी सरकारें एक्सेप्ट करती हैं, हर जगह उनके बिना फोटो के कोई ऑफिस नहीं है परमपद, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि कानून के तीन ही आधार बनते हैं, या कुछ सरकार बनाए या न्यायपालिका बना दे, या जो व्यवहार में चला आ रहा है, नहीं, जो व्यवहार में चला रहा है उसको परंपरा कहते हैं। अखिलेश जी, यहाँ तो कानून आड़े आ गया, संविधान आड़े आ गया, उसकी धारा बता दी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। उत्तर प्रदेश जहां हम आप बैठे हैं, उस प्रदेश में गांधी जयंती मनाने के लिए सरकार ने 2008 से 7 से लेकर अब तक कोई धनराशि अवमुक्त ही नहीं की, नाना प्रकार की जयंतियों के लिए धनराशि अवमुक्त हुई, ये भी खुलासा आज आज ऐसे हुआ, लेकिन गांधी जयंती के लिए नहीं हुआ। अब इसमें तो कोई कानून आड़े नहीं आ रहा था? नहीं, क्यों होगा, हम बार बार इस बात को कहे हैं कि जो ओरिजिनल पार्टियां हैं उन पार्टियों के ये मैटर नहीं थे, उन पार्टियों के अपने एजेंडे में बापू नहीं है, ये देश के एजेंडे में, उन पार्टियों के जो ओरिजिनल पार्टियां यहां रूल कर रही हैं उनके एजेंडे में, जो उनके वोट बैंक के एजेंडे में, उनके लिए तो उनके पास हर समय रहेगा, पैसा रहेगा। तो अरे, देश की सरकार कांग्रेस पार्टी जिसने देश में सबसे ज्यादा राज किया, उसके एजेंडे में भी अगर बापू होते तभी तक संविधान संशोधन हो जाता। देश के एजेंडे में तो है, देश के सरकार के तो अभी तक सरकारी दस्तावेज नहीं है। सुभाष जी कुछ कह रहे हैं, सुभाष जी जी, अतुल जी, अखिलेश जी से मेरा एक ये प्रश्न है कि जैसे वो कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज के एजेंडे में गांधी कभी नहीं है, ना उनकी विचारधारा है, ना कुछ है, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश जी के एजेंडे में गांधी है ऐसा सबका मानना है। लखनऊ में जहां पे अम्बेडकर पार्क बनाया है वहां पर एक बहुत बड़ा गांधी द्वार बनाया गया था, मायावती की सरकार आई उसको उन्होंने डेमोलिश करके अम्बेडकर द्वार बना दिया। ये कांग्रेस पार्टी और अखिलेश जी जैसे दूसरे नेताओं ने क्या प्रतिरोध किया ये मुझे बताइए, कि किस तरह से गांधी जी के जो सिंबल्स हैं उनकी विचारधारा को जो भी पार्टी डेमोलिश करती है, तो कांग्रेस का या ऐसे जिम्मेदार लोगों ने क्या किया? एक भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। मैं तो इसी लखनऊ में रहता हूं, अखिलेश जी आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार 2007 से अभी तक 2 अक्टूबर के सेलिब्रेशन के लिए एक पैसा भी नहीं सैंक्शन कर रही है, ये क्या क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये जो उत्तर प्रदेश में जो 2-3 चुनाव हुए हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार बताया। नहीं, नहीं, गलत ट्रैक में जा रहे हैं, चुनाव की बात नहीं, वो एक घटना विशेष की आपको बात बताया। नहीं, चुनावी रणनीति, चुनावी धीना मुश्ती नहीं। अतुल जी एक मिनट, मैं बात पूरी कर दूं कि जैसे पिछली बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे लोहिया पथ बनाया था, बड़ा सा हरा सा लोहिया पथ का एक बोर्ड लगाया था, बहुजन समाज पार्टी ने उसको हटाने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर दिया और कहा कि नहीं हटाने देंगे, लेकिन जब गांधी सेतु को डेमोलिश करके बुलडोजर लगा करके जेसीबी लगा के डेमोलिश किया गया, न कांग्रेस के लोग न समाजवादी पार्टी के लोग कोई नहीं आया, न कोई बचाने। आपकी बात और आगे बढ़ाऊं, बहन कुमारी मायावती की मूर्ति टूटती है तो पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं, और जिनके ऊपर आरोप था, मैं कह रहा हूं आरोप था, कन्फर्मेशन नहीं, मैं कह रहा हूं आरोप था, उसी सरकार ने बहन कुमारी मायावती जी की मूर्ति दोबारा लगाई, तुरंत लगाई, 24 घंटे से कम वक्त में लगाई। यानी कि आप अगर जिस चीज से आप जुड़े होते हैं अगर वो चीजें टूटती हैं, तो कहाँ है पूछे। हाँ अखिलेश जी, अरे ऐसा नहीं है, देखिए ये तो बड़ा लंबा सवाल किया, समय दे तो हम बताएं जी, बताइए बताइए। अब देखिए आस्था की बात होती है, अगर कोई ऐसा प्रतीक या कोई कुछ डिमानिश भी कर रहा है तो हमारा जो सनातन धर्म है, हम हिंदुस्तानी जो लोग हैं चीजों को बहुत देख करके बहुत चीजों को लेकर के लड़ते नहीं है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उसकी लड़ाई टूटने देते हैं, लड़ते नहीं है, टूटने देते हैं। अपमान होता है
कुछ और लड़ते हैं कुछ और नहीं लड़ते हैं। मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ अखिलेश जी, आपने कहा ना कि हर जगह गांधी जी की फोटो राष्ट्रपति जी के बाद में लगी हुई है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो फोटो भी टूट जाएगी तब तभी नहीं लड़ेंगे आप लोग। अतुल यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहूँ, पश्चिम बंगाल में अखिलेश जी पश्चिम बंगाल में एक बिल्डिंग का नाम बदलने के लिए इंदिरा जी के नाम से हटा के किसी दूसरे नाम पर रखने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतर गई थी कि ऐसा नहीं होने देंगे। अरे इंदिरा जी तो दिल में थी, क्या जरूरत नाम रहे नहीं रहे पट्टी लग रहे ना रहे। नहीं देखिए वो तो हम लोग का पार्क था, जो जमीन जमीन थी अलॉट की गई थी उस पर कार्यक्रम हो रहे थे, मतलब उसमें बनना था बड़ा सा। और नहीं 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 तो बनना नहीं था, बनना नहीं था। इंदिरा जी एक बार उस भवन में जाकर रही थी एक, हाँ। एक कार्यक्रम के तहत, इसलिए उसको इंदिरा भवन नाम दे दिया कोलकाता में। ममता ने उसको दूसरे नाम देने की वकालत की, हाँ। उस पर विरोध हुआ, कांग्रेस सड़कों पर उतरी, उसने कहा हमारी भावना और आस्था का सवाल है। तो अगर बापू मन में रह सकते हैं तो इंदिरा जी मन में क्यों नहीं रह सकती थी? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। फूल का हो चाहे एक और पार्टी ने बापू के प्रति शब्दों का प्रयोग किया था, वो चाहे पिछली सरकार में बापू को लेकर के अपमानित किया गया था। आप फिरोजाबाद में अपमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम सम्मान की बात कर रहे हैं। अपमान की बात छोड़ दीजिए, हमने के नकारात्मक क्यों सोचे भाई, हम सकारात्मक सोचे, हम सम्मान की बात करें अखिलेश जी। आप बापू की मूर्ति को लेकर के आप याद करें, फिरोजाबाद में पिछले वर्ष सरकार के राज्य मंत्री ने क्या किया था और कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, उस मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी तक। यही तो सुभाष जी अमिताभ जी मेरा यही तो कहना है कि जब बापू के नाम का ताबीज बना के कांग्रेसी और बापू के ऊपर कॉपीराइट करते घूमते हैं तो बड़ा सवाल यह कि भैया सरकारी दस्तावेज में बापू से इतनी बेरुखी क्यों? बस सवाल तो मेरा ये है, संविधान संशोधन हो जाए। 18 अनुच्छेद जो है ये कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं कि आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते भाई। अभी आप फिर विचल रहे हैं उससे, हम आपका या आपके एजेंडा हो सकता है, ये बापू का क्यों नहीं हो रहा? ठीक है एजेंडा आपका है, हम इतराज नहीं करते, होना भी चाहिए, लेकिन और भी बहुत से एजेंडे हैं। आज बापू को कौन भुला रहा है, कौन नकार रहा है? सर्टिफिकेट में जाने से ये सारी चीजें थोड़ी ना हो जाएंगी। अच्छा लेकिन अभी जो एक उदाहरण दिया हमारे साथ सुभाष जी थे, हाँ। तो अभी आप याद करें कि लखनऊ का भी और फिरोजाबाद में भी एक राज्यमंत्री ने बापू के शब्दों के साथ मोटी अपमान किया था, उन पर मुकदमा तक दर्ज करना पड़ा उसी सरकार को। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिग्विजय सिंह तक गए वहाँ पे। अच्छा। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ मंत्री के ऊपर तब तक हम लोगों ने आंदोलन अपना खत्म नहीं किया। तो अब हम ही बताइए, अब हम मुकदमा किसके ऊपर करें कि हमने 25 साल तक पढ़ा कि बापू राष्ट्रपिता हैं और अब हमको 25 साल बताया गया जब हम नौकरी पेशा बाल बच्चेदार हो गए तो बताएगा कि नहीं नहीं आपने गलत पढ़ा अतुल जी, बापू राष्ट्रपिता नहीं है। तो अब मैं मुकदमा किसके ऊपर करूं बताइए, मुझे गलत पढ़ाया गया, गलत किताबें छापी गई। आप ये देखिए मतलब सरकार का कहने का मतलब 2 अक्टूबर जनता मनाए तो मनाए, 2 अक्टूबर के लिए बजट हम नहीं सैंक्शन करेंगे, हम तो नहीं मनाएंगे। हाँ, चूंकि राष्ट्रपिता नहीं है ये इनका कहना, चूंकि बापू राष्ट्रपिता नहीं है, बवाल खत्म। राष्ट्रपिता नहीं कर रही है, मनाइए। हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वहां नहीं ऐसा हो रहा है। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय आपका कांग्रेस पार्टी का है, सरकार आपकी यूपीए 2 की है भाई साहब, उसकी आरटीआई कॉपी में लिए बैठा हूं। आप इतना सा क्यों नहीं कह सकते कि आप मनमोहन सिंह जी से कहेंगे कि साहब संविधान संशोधन होना चाहिए, इतनी सी एक लाइन का आश्वासन दे दीजिए, क्या दिक्कत है इसको कहने में? अरे ठीक है आपका एजेंडा आपका है, अच्छा एजेंडा है। एजेंडा मेरा नहीं है, हम तो जनता हैं, समाचार प्लस पर जनता का एजेंडा होता है मान्यवर। सुनिए भाई साहब जी बताइए, हर चीज कानून के दायरे में ला देने से सिर्फ नहीं हो सकता, इंसान के आंख में पानी होना चाहिए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इंसान की आंख में पानी होना चाहिए, दिल में भावना। कांग्रेस, हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो नेता जो यूपीए 2 सरकार को शेयर कर रहे हैं उनकी आंखों का पानी इस मुद्दे पर दिखाई नहीं पड़ा सरकारी तौर पर, बस मैं ये कह रहा हूँ। ये क्या हमें फिर कहाँ बुलाएं आप, हमारे यहाँ सुनेंगे? बोलिए 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 भाई साहब बोलिए। अगर कानून बन जाएगी बापू को मनाना, जिसको नहीं मनाना वो फिर भी नहीं मनाएगा, क्या करने के आप? कानून तो हर चीज का बना है पीसी में, क्या क्राइम नहीं हो रहे? तो फिर जितने कानून सब बंद कर दीजिए, कत्ल करने पे सजा होगी इसको ही बंद कर दीजिए, कानून खत्म कर दीजिए। श्रद्धा और दिल की बात है, रामाश्री दिल में है और कुछ लोग भले न माने। जी रामाश्री जी बोलिए। अतुल जी देखिए चर्चा बहुत लंबी हो गई और निरर्थक मेरे ख्याल में सब जा रहा है। महात्मा गांधी जी को किसी दल विशेष से नहीं बांधना चाहिए, देश में वो बहुत बड़े महापुरुष हैं और सुझाव के तौर पे हम ये कहना चाहेंगे जी, महात्मा गांधी जी का चूंकि गांधी जयंती हम सभी लोग बहुत बड़ा उत्साह से मनाते हैं, हाँ।
तो फंड के लिए भी सुझाव होना चाहिए और अखिलेश जी को भी केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहिए कि फंड बढ़ाया जाए और इसमें और महात्मा गांधी को बापू कहा जाए, राष्ट्रपिता कहा जाए, उसके लिए लिखा पढ़ी भी जाना चाहिए। नहीं कुशवाहा जी, आपकी बात सही है, कुशवाहा जी आपकी बात सही है, लेकिन जो पार्टी बापू